हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज के पार्ट में फिर से वही पास्ट परफेक्ट हम लोग कंटिन्यू करेंगे। कल हमारा पास्ट परफेक्ट में ये हम सीख पाए थे कि सिंगल एक्शन में पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट दोनों ही नॉर्मली यूज नहीं होते, लेकिन पास्ट परफेक्ट का एक केस हमने चर्चा किया था जहां हो सकता है। इस पे बहुत जगह डिसएग्रीमेंट भी है, लेकिन आप इसको रेफरेंस बुक से ये कर सकते हैं कि इस तरीके से यूज हो सकता है पास्ट परफेक्ट का कि सिंगल एक्शन हो बाय प्लस टाइम पास्ट टाइम हम लोग लगा करके या बिफोर प्लस पास्ट टाइम लगा करके हम लोग पास्ट परफेक्ट का सिंगल एक्शन में यूज कर सकते हैं या पिछले सेंटेंस के रेफरेंस में उसको यूज कर सकते हैं। उसके अलावा जो नॉर्मली पास्ट परफेक्ट का यूज होता है ये हम लोग देखेंगे कैसे होता है। पास्ट परफेक्ट कल से आगे हम लोग चलते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर हुआ। लेकिन नॉर्मली इस तरीके से इसका यूज होता नहीं है, इसके साथ प्लस कोई कंजंक्शन रहेगा, टाइम कंजंक्शन और प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरीके से इसका यूज हो सकता है। दो एक्शन होगा, एक एक्शन सिंपल पास्ट में होगा, दूसरा एक्शन पास्ट परफेक्ट में होगा और दोनों एक्शन सब्सिक्वेंट होगा, वन एक्शन आफ्टर अनदर। इसको आप नोट करिए, वन एक्शन आफ्टर अनदर। तो इसमें जो अर्लियर एक्शन होगा वो पास्ट परफेक्ट में होगा और जो बाद वाला होगा वो सिंपल पास्ट में होगा। दो घटना, इसका बहुत फेमस एग्जाम्पल है, द ट्रेन हैड डिपार्टेड व्हेन ही रीच्ड द स्टेशन, जब वो स्टेशन पहुंचा गाड़ी खुल चुकी थी। दो घटनाएं हैं, ट्रेन हैड डिपार्टेड, ही रीच्ड द स्टेशन। तो ट्रेन हैड डिपार्टेड, ये घटना पहले हो जा रही है तो ये पास्ट परफेक्ट में होगा, और वो स्टेशन पहुंच रहा है ये बाद में हो रहा है तो ये सिंपल पास्ट में होगा। तो इस तरीके से हम लोग पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं साइमल्टेनियस एक्शन सब्सिक्वेंट एक्शन को शो करने के लिए। यहां पे दोनों सेम टेंस नहीं होगा, दोनों सेम टेंस होगा तो फिर मीनिंग बहुत ज्यादा कॉन्टेक्स्ट उसका बदलने लगेगा। ऐसा नहीं है कि आप यूज ही नहीं कर सकते व्हेन लगा करके और ये, लेकिन वहां पे पैरेलल शो करना चाहिए एक्शन, तभी होगा। अदरवाइज अगर दो एक्शन आगे पीछे का है तो उसमें एक पास्ट परफेक्ट का हो जाएगा, अर्लियर पहले वाली घटना पास्ट परफेक्ट में हो जाएगी, इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए। और भी एग्जाम्पल है इससे रिलेटेड, द क्रिमिनल had run away when the police came। तो इस तरीके से इसका यूज हम कर सकते हैं। टेंस में ये ध्यान रखना होगा, पास्ट परफेक्ट का नॉर्मल यूज यही होता है, इस चीज को ध्यान में रखिए। दो एक्शन होगा आगे पीछे। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो होगा इसमें
स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एडवर्ब ऑफ प्लेस प्लस सीन्स फॉर प्लस टाइम। तो आप देख सकते हैं कि सारा कुछ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की है की तरह ही है, सिर्फ हैज के बदले हैज हैव के बदले हैड हो जा रहा है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में डिफरेंस क्या होगा? ये कोई घटना ऐसी है जो बहुत लंबे समय से चलती आ रही है और अब समाप्त हो चुकी है, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम लोग ये शो करते हैं कि लंबे समय से घटना चलती आ रही है और अभी भी जारी है। तो यहाँ पर अगर आप कहते हैं कि शी हैज बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर टू मंथ्स, तो इसका मतलब हुआ कि दो साल से रहते आ रही है और अभी भी रह रही है। लेकिन हैड बीन लगाते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बोलते हैं, तो दो साल से रहती आ रही थी लेकिन अब नहीं रहती है, शी हैज चेंज्ड हर प्लेस। तो यहां पर यही डिफरेंस होगा, शी हैड बीन लिविंग इन Delhi since 2016 या for two years, दो साल से। यहां पर since और for का हम लोग use कर पहले देख चुके हैं कि सिंस डिफिनिट टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम बताता है, फॉर पीरियड बताता है या लमसम टाइम बताता है, तो हमको अकॉर्डिंगली यूज करना होगा। ये दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। अगर परफेक्ट टाइम डिफिनिट टाइम देना होगा, पॉइंट ऑफ टाइम देना होगा, तो सिंस यूज करेंगे, अगर पीरियड बताना होगा तो फॉर यूज करेंगे। तो इस हिसाब से इसमें यह मतलब हुआ कि दो सालों से रहते आ रही थी बट नाउ सी हैज प्रोबेबली चेंज हर प्लेस। पास्ट परफेक्ट में कुछ ज्यादा नहीं है और इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस भी नहीं बनते एग्जाम्स में। तो हम लोग अब नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर में हम लोग क्या देखते हैं? सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन वेदर वर्ब इज ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। यहां पर आप बेसिक्स में पढ़े होंगे पहले से भी कि विल और शैल से रिलेटेड कुछ कन्वेंशनल रूल्स हैं। विल से और शैल से रिलेटेड कन्वेंशनल रूल्स क्या हैं? कि शैल फर्स्ट पर्सन के साथ यूज होता है और विल सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ यूज होता है। लेकिन मॉडर्न में विल ऑल पर्सन के साथ यूज होने लगा, एटलीस्ट इन अफर्मेटिव्स। जो सकारात्मक सेंटेंसेस हैं, जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं, उसमें विल शैल को रिप्लेस करते जा रहा है। मोस्टली अब विल का यूज देख रहे हैं। इसका कुछ हिस्टोरिकल कॉजेस हैं और बहुत इंटरेस्टिंग है। हम लोग शुरुआत में ये चर्चा कर चुके थे कि जब अंग्रेजी भाषा की शुरुआत हुई थी उस समय फ्यूचर टेंस नहीं था इंग्लिश में। जब जरूरत पड़ी धीरे धीरे फ्यूचर टेंस यूज करने की, तो शैल और विल ये वर्ब ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे, फ्यूचर टेंस नहीं था और ये फ्यूचर इंप्लीकेशन के साथ यूज नहीं होते थे, लेकिन मेन वर्ब के रूप में इनका एग्जिस्टेंस था। तो वैसी स्थिति में शैल का मीनिंग जो होता था वो होता था कमांड, और विल का मीनिंग जो होता था वो होता था विश, मेन वर्ब के रूप में।
तो ये कैसे इस तरीके से यूज होने लगा, एक तरीके से कोडिंग बन गई, कोड बन गया कि शैल कमांड, आदमी खुद को ऑर्डर देगा नहीं, तो शैल अगर हम अपने लिए यूज करते हैं तो ये अंडरस्टूड होगा कि अपने आप को ऑर्डर नहीं दे रहे हैं, तो हम फ्यूचरिटी शो कर रहे हैं। और विल, जनरली ह्यूमन बींग्स दूसरे के विशेष के साथ कंसर्न नहीं होते, तो विल यूज करेंगे तो सेकेंड और थर्ड पर्सन का सेंस कन्वे होगा। इस तरीके से यूज होते होते इतना एस्टैब्लिश्ड हो गया उस फ्यूचर के लिए कि बाद में मेन वर्ब के रूप में इसका यूज कम होते गया और आज नहीं होता है, ऑलमोस्ट नहीं होता है। तो 1950s के अराउंड ये बात आई सामने कि जब इसका यूज केवल फ्यूचर के लिए हो रहा है तो फॉर द सेक ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ लैंग्वेज केवल हमको विल यूज करना चाहिए। और आज मोस्ट ऑफ द इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड हैव स्टार्टेड यूजिंग विल, एंड विल यू कैन से विल हैज टेकन द प्लेस ऑफ शैल अक्रॉस all the English speaking countries of the world except some parts of England. केवल कुछ parts, England के कुछ parts में shall का use होता है, otherwise will आप use कर सकते हैं सारे person और number के लिए। shall का use कभी कभी होता है, कुछ particular sense में होता है, अगर आप permission के लिए use करते हैं और ऐसी स्थिति में तो वहां पर shall का use कर सकते हैं, लेकिन will generally हम लोग use करने लगे हैं। तो इसको हम लोग यूज करते हैं, देखते हैं आज इसका एग्जाम्पल क्या क्या शो करेगा। इट विल रेन टुनाइट, मॉडल के समय में भी हमने इसका एग्जाम्पल लिया था, प्रोबेबली इट विल रेन टुनाइट, ये क्या शो कर रहा है। इसके बाद इस सेंटेंस को इस सेंटेंस से कंपेयर करिए, आई विल रिटर्न योर बुक, दोनों में विल है, दोनों फ्यूचरिटी भी शो कर रहा है लेकिन सेंस सेम नहीं है। आई विल Stand by you, यहां पे भी slight change है, I will see you, या the police will take steps to catch the culprits. आज रात बारिश होगी, मैं तुम्हारी किताब लौटा दूंगा, मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, तुम्हारा साथ दूंगा, मैं तुम्हें देख लूंगा, पुलिस दोषियों को पकड़ने के लिए कदम उठाएगी। ये दोनों ऑलमोस्ट मैच करता हुआ है, ये इंडिविजुअल लेवल पे है, ये इंस्टीट्यूशनल लेवल पे है, लेकिन चारों सेंटेंसेस का सेंस अलग अलग है। यहां पर ये सिर्फ पॉसिबिलिटी बता रहा है, संभावना, यहां पे ये प्रॉमिस कर रहा है, यहां पे एश्योरेंस है, लेकिन ऑफर एक तरीके से हेल्प करने की बात कर रहा है, और यहां पर वार्निंग या थ्रेट की बात कर रहा है, धमकी या चेतावनी की बात कर रहा है। तो सिंपल फ्यूचर में
इस तरीके से विल का यूज या शैल का यूज हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। फ्यूचरिटी शो सब करेगा, लेकिन सेंस इंप्लीकेशन में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आते जाएगा। अब हमने शुरुआत में एक बात कही थी, उसको खैर टाइम में हम लोग डिस्कस करें तो बेहतर होगा। यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट इसका है फ्यूचर कंटिन्यूअस, इसमें सब्जेक्ट विल या शैल प्लस बी प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका फ्यूचर में कोई काम जारी रहेगा इस चीज को एक्सप्रेस करता है। तो यहां पर आप किस कॉन्टेक्स्ट में यूज करेंगे, फ्यूचर में कब किस अवस्था में कोई काम जारी रह सकता है, तो सेंटेंस से देखिए उसका अनुमान लगाइए क्या हो सकता है, कैसे कॉन्टेक्स्ट हम इसका डिसाइड कर सकते हैं। We will be going to Shimla next month. हम लोग अगले महीने शिमला जा रहे होंगे, या दे विल बी रिलीजिंग देयर फिल्म नेक्स्ट वीक, या ही विल बी मैरिंग नेक्स्ट मंथ। हम लोग अगले महीने शिमला जा रहे होंगे, वे लोग अगले सप्ताह अपनी फिल्म रिलीज कर रहे होंगे, वह अगले महीने शादी कर रहा होगा, ये सारे में क्या शो हो रहा है, एक कॉमन चीज, ऑल दिस सेंटेंसेस एक्सप्रेस फ्यूचर प्लानिंग। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस का यूज कब करते हैं हम लोग, फ्यूचर प्लानिंग के लिए। जब भविष्य की योजना होती है तो उसके लिए फ्यूचर कंटिन्यूअस का यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट पार्ट है फ्यूचर परफेक्ट, इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव, यहां पर सब्जेक्ट कुछ भी हो विल के बाद हैव ही आता है, ये ध्यान रखना होगा, ही के साथ हैज यहां पर नहीं होगा, विल के साथ ही आएगा तो हैव ही आएगा, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। और इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आएगा, हैव के साथ वही होता ही है, फ्यूचर परफेक्ट है तो ये हमेशा आप ध्यान रखेंगे कि ये कंप्लीशन को शो करता है और इसमें भविष्य के किसी समय में ये काम पूरा हो चुका होगा, उसके आगे नहीं जाएगा, ये चीज शो करता है। तो नॉर्मली इसके साथ बाई प्लस फ्यूचर टाइम आप एक्सप्रेस करते हैं, मेंशन करते हैं। इससे रिलेटेड ये कब यूज होगा,
तो यहां पर एक सेंटेंस हम लोग देख लें, आई विल हैव रिटर्न्ड योर बुक बाय टुमारो। मैं कल तक तुम्हारी किताब लौटा चुका हूंगा। अब इस सेंटेंस को कंपेयर कर लीजिए कि आई विल रिटर्न, सिंपल फ्यूचर का सेंटेंस हम लोग एग्जाम्पल लिए थे, रिटर्न योर बुक टुमारो। आई विल रिटर्न योर बुक टुमारो और आई विल हैव रिटर्न योर बुक बाय टुमारो, इन दोनों में ये प्रॉमिस है तो ये भी प्रॉमिस ही शो कर रहा है। लेकिन इन दोनों प्रॉमिस में क्या डिफरेंस है? ये प्रॉमिस है, फ्यूचरिटी शो कर ही रहा है, और ये भी प्रॉमिस ही है, फ्यूचरिटी शो कर रहा है, लेकिन डिफरेंस ये है कि इसमें टाइम क्रॉस न करने की बात की गई है। यहाँ पर इम्फेसिस है, ये स्ट्रॉन्ग प्रॉमिस है। अगर आप मजबूती से पूरे दावे के साथ किसी से कमिटमेंट करते हैं तो परफेक्ट में चला जाता है, फ्यूचर परफेक्ट में। इस चीज़ को ध्यान में रखिए, हमारा वीडियो थ्रू आउट आप वॉच करते रहिए, आपको परीक्षा में निश्चित रूप से मार्क्स पढ़ेंगे। तब तक से नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए। वी विल बी बैक। थैंक यू।